हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी में हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीएसटी में बेसिकली एक होते हैं नॉर्मल स्कीम, जिसमें कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, जहाँ पर अलग 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 रेट होते हैं जीएसटी के, उस हिसाब से कोई जीएसटी देना पड़ता है और वहाँ पर रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, मतलब प्रोसीजर वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई स्मॉल टैक्स पेयर है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन है और उसको एक्सपर्टीज उसके अंदर नहीं है कि वो खुद से रिटर्न फाइल कर सके, अकाउंटेंट को बुला सके, तो उसको इतना झंझट में जिसमें नहीं पड़ना है वो फिर इस स्कीम को अडॉप्ट करता है जिसका नाम होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में एक एक चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़, इट इज़ अ स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। ये स्कीम किसके लिए है? जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स है उनके लिए है, क्योंकि वो अकाउंटेंट या सीए की फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, और या फिर वो एक्सपर्टीज नहीं, उनके अंदर नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जो उनको नहीं आती रिटर्न फाइल करना, उनको बहुत सारे जो टैक्स इन्वॉइस बनाना पड़ता है, आईटीसी कैसे लेना है, उनको नहीं पता ये सब चीज़ें, तो वो फिर क्या करते हैं, इस स्कीम को अडॉप्ट करते हैं। तो इस स्कीम के बारे में कैसे अडॉप्ट करते हैं और कौन इसके पर्सन एलिजिबल होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सप्लायर हुज टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, एक साल में अगर उसकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें, एग्रीगेट टर्नओवर टोटल टर्नओवर, जिसमें टोटल जितने भी आपने गुड्स सर्विसेज सप्लाई है, जो भी आपने की है, गुड्स का बिजनेस है तो गुड्स सप्लाई किया होगा, उसमें चाहे वो एग्जम्प्टेड है चाहे वो नहीं है, सब कुछ मिला के, तो वो सब हमें लेना है, ठीक है। कैन ओप टू कॉम्पोजिशन स्कीम, जो 1.5 करोड़ से अगर एक्सीड नहीं है उसकी टर्नओवर एक साल के अंदर, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर वो इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है या हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर उसकी टर्नओवर की जो लिमिट है वो 75 लाख रुपये, 75 लाख रुपीज़ है अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर रेट्स क्या क्या है, रेट्स की बात करते हैं। द फ्लोर रेट ऑफ सी जी एस टी, एस जी एस टी एंड यू टी जी एस टी, देखो एक बहुत ध्यान से बात समझने वाली एक है। पहले देखो, जब हम उसमें हम अगर नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं तो हमें सी जी एस टी, एस जी एस टी, यू टी जी एस टी या आई जी एस टी देना होता है। इनमें कुछ नहीं देना होगा, ये सी जी एस टी, आई जी एस टी कुछ भी नहीं देना आपने, ये वाले टैक्स नहीं देने आपने, क्योंकि ये जी एस टी की नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं है। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें देखो आई जी एस टी नहीं लिखा हुआ है, जो रेट सी जी एस टी, एस जी एस टी और यू टी जी एस टी के रेट है उसमें फ्लोर रेट लगा दिया है, कोई अलग अलग रेट्स नहीं है, गुड्स और सर्विस के अलग अलग एक फ्लोर रेट है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं वो कितना है। तो चलिए, यहाँ पर आई जी एस टी नहीं लिखा हुआ है बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम जो होती है वो इंटर स्टेट सप्लाई पे नहीं लगती। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट के जब हम बाहर माल बेचते हैं तब हमें आई जी एस टी देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को। हम आई जी एस टी यानी कि आई जी एस टी इस पर लगेगा ही नहीं, जो आई जी एस टी करते यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई करते थे वो वाले लोग कॉम्पोजिशन स्कीम पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो रेट है वो सी जी एस टी, एस जी एस टी या यू टी जी एस टी के ही रेट है। आई जी एस टी जो देता था वो वाले लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या क्या रेट्स है वो, पहला है 1% फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एज ट्रेडर। अगर कोई ट्रेडर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बेसिकली कुछ सामान बेच रहा है और उसकी टर्नओवर हुई सपोज करते हैं पूरे साल में 1 करोड़, तो वो कर सकता है ना, कॉम्पोजिशन स्कीम पे ले सकता है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर लेगा। और जैसे ही वो अप्लाई करेगा, ये जो 1 करोड़ पे उसमें कॉम्पोजिशन लेवी लगेगी, इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्पोजिशन लेवी। तो इस पर कॉम्पोजिशन लेवी लगेगी। अगर वो ट्रेडर है, वो लिखा हुआ ट्रेडर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो माल पीछे से खरीदता है आगे बेचता है, तो उसको सिर्फ इसका 1% कॉम्पोजिशन लेवी देनी है। 1% यानी कि कितना हो गया इसका, 10%, 10 लाख होता है, 1% कितना हो गया, 1 लाख रुपये,
तो इसको सिर्फ 1 लाख में टैक्स देना है, दैट इज द कॉम्पोजिशन लिवी। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो भी उसको 1% देना है टर्नओवर का, जो भी आपने उसने टर्नओवर करी है उसका 1% देना है। और अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको 5% देना है अपने टर्नओवर का। अब वो कैसे कैसे उसको भरना पड़ता है वो हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है, जब उसकी जितने टर्नओवर है ठीक है उसका 1% देना है एज अ ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है तो 1%, और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो 5% देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते फिर। कॉम्पोजिशन सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न। एक और राहत दे दी है, क्योंकि वहाँ पर आपको मंथली रिटर्न भेजनी पड़ती थी जीएसटी में, इस बार क्या है इसमें आपको कोई मंथली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। क्वार्टरली रिटर्न का मतलब जो हर 3 महीने के बाद आती है, क्वार्टर साल में जब हम देखो क्वार्टर का मतलब करते हैं 1/4, 12 को 4 से डिवाइड कर दो 3 आता है, तो हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर आएगा, जैसे जनवरी फरवरी ठीक है मार्च उसके बाद ऐसे, तो 3 महीने के बाद जितने भी क्वार्टर आएंगे उसके बाद आपके ये कॉम्पोजिशन उसी में आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर को ये झंझट नहीं है कि अलग अलग जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, आपको सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। तो इसलिए जो भी आपने जैसे कि 3 महीने में आपने जितनी भी टर्नओवर होगी 3 महीने में उसका आपको 1% निकालना है एज अ ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, और आपको उतना ही टैक्स देना है 3 महीने में, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने का क्वार्टर आता है, पूरे साल में 3-3 होते ना, 3 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तभी तो 12 महीने बैठेंगे। तो 3 महीने के जितने टर्नओवर है उसका आपको टैक्स देना है, बस इतना सिंपल है कॉम्पोजिशन सप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, कॉम्पोजिशन सप्लायर शैल नॉट बी इशू टैक्स इनवॉइस नॉट एलिजिबल टू गेट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है कॉम्पोजिशन स्कीम की, कि आपको इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, पीछे से जो आपको ITC मिलता था, यानी कि अगर आपने पीछे कोई माल खरीदा होगा अपने बनाने के लिए कुछ, उसका आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप नॉर्मल टैक्स पेयर होते तो ठीक बात थी, क्योंकि आप सामने वाले से टैक्स कलेक्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉम्पोजिशन सप्लायर आप टैक्स कलेक्ट करते ही नहीं हो सामने वाले से, टैक्स लगाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ टर्नओवर पर टैक्स देना है, अपने टर्नओवर पर टैक्स देना है आपको, तो आप सामने वाले पर टैक्स नहीं लगाओगे, बायर पे उससे टैक्स लोगे थोड़ी, क्योंकि आपको टर्नओवर पर देना है। सो दैट्स व्हाई इसमें आपको फिर ITC भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप सामने पर टैक्स नहीं ले रहे, ITC मिलता है जब आउटपुट टैक्स भी हो, आउटपुट टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है आपके पास, तो ITC कैसे मिलेगा? तो उसके बाद टैक्स इनवॉइस भी नहीं है, क्योंकि टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहा है वो सामने वाले से, तो टैक्स इनवॉइस क्यों बनाएगा? उसकी जगह वो बनाता है बिल ऑफ सप्लाई। एक बिल ऑफ सप्लाई तो देना ही पड़ता है, एक बिल जैसे कि आपका रसीद देते हैं ना, कि लिख दिया क्या बेचा है उस सामान का प्राइस क्या है, सब कुछ लिख दिया, बिल ऑफ सप्लाई होता है बस, जिसमें आपका जो टैक्स नहीं देता है वो बेसिकली बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो ये बिल ऑफ सप्लाई करेगा इशू, टैक्स इनवॉइस नहीं करेगा। बिल ऑफ सप्लाई सिंपल सी रसीद है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई इसमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बस बिल ऑफ सप्लाई में सिर्फ आपने क्या बेचा वो लिखा होता है, समझा की बात? तो ये टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं करता है, ना ही ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लाइबल है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन समझते हैं इसकी। एक्सेप्शन क्या है? कि कौन कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं कर पाएगा, कौन ऐसा पर्सन है, सॉरी एक्सेप्शन वो नहीं है कि कौन ऐसा पर्सन है, हम वो बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सी गुड्स या सर्विस है अगर आप जो बेच रहे हो उस पे आपको, अगर वो बेच रहे हो तो वो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करने नहीं देगा, फिर गवर्नमेंट उसको मना कर देगी। पहला है अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर एज अ डीलर मैन्युफैक्चरर आप अल्कोहलिक लिकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपको इजाज़त नहीं है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम आप में अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एज अगर मैन्युफैक्चरर हो आप आइसक्रीम बना रहे हो ये अदर एडिबल आइसक्रीम का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको कोई इजाज़त नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करने की, आप नहीं कर सकते कॉम्पोजिशन स्कीम में। पान मसाला बना रहे हो ठीक है, टोबैको का प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विद टोबैको, जो भी टोबैको से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका, अगर आप मैन्युफैक्चरर ऐसा बना रहे हो ये चीज़ें तो आपको कोई भी एलिजिबल नहीं है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई कर लो।
समझ आ गई बात यहाँ से। तो इस सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि भाई 1.5 करोड़ तक लिमिट है, 1.5 करोड़ टर्नओवर है आपकी, ले लो कॉम्बो स्कीम। 75 लाख है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वगैरह के लिए, और 1% ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपको देना पड़ता है टर्नओवर का, और इसको 1% मैन्युफैक्चरर के लिए, 5% एक्सटर्नल सर्विस करके। कॉम्बो स्कीम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है, ITC क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि अपनी जेब से टैक्स देगा इसका मतलब, जो ITC नहीं पे दे रहा है वो, पीछे से ITC ले नहीं रहा तो अपनी जेब से टैक्स देता है वो। तो ये एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी वाली। अल्कोहल ये पेट्रोलियम वगैरह पे भाई टैक्स नहीं मिलता है। अगला बात करते हैं, स्कीम नॉट अप्लाई टू डीलर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई आप कर रहे थे तो भाई भूल जाओ कि आप कॉम्पो स्कीम में आ जाओगे, भले ही आप स्मॉल बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट कर रहे हो भाई आप, इंटर स्टेट कर रहे हो तो IGST दे रहे हो, IGST दे रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है माफ़ करो भाई, हम आपको नहीं देंगे कॉम्पो स्कीम। उसके बाद कह रहे हैं स्कीम एप्लीकेबल टू डीलर्स मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अगर कोई डीलर एग्जम्प्टेड गुड्स भी बेच रहा है वो भी, देखो लिखा हो ना, स्कीम एप्लीकेबल टू डीलर मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स ऑल्सो, जो भी एग्जम्प्टेड गुड्स भी बेच रहा है। एग्जम्प्टेड गुड्स मतलब क्या, जिस पर टैक्स नहीं लगता ना, उस पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पर टैक्स ही नहीं लगता है, जैसे कि मैन्युफैक्चर, जैसे ये हम पेट्रोलियम पे टैक्स नहीं लगता है, अल्कोहलिक पे नहीं लगता है, लेकिन ये देखो ये बात कही गई थी डीलर पे और मैन्युफैक्चरर पे, डीलर और मैन्युफैक्चरर पे बात की गई थी ये, ठीक है, और किस पे नहीं लगता है, लेकिन डील देखो अल्कोहलिक और पेट्रोलियम को छोड़ के जो भी मैन्युफैक्चर, जो भी आपके एग्जम्प्टेड गुड बाकी बच गए उस पे तो भाई आप ले सकते हो ना, उस पे आप कौन सा कॉम्पो स्कीम अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ इन दो प्रोडक्ट को छोड़ के। अगर आप अल्कोहलिक लीकर वाले प्रोडक्ट बेच रहे थे, पेट्रोलियम बेच रहे थे, तो नहीं आप कर पाओगे, तो नहीं आप ले सकते कॉम्पो स्कीम में। लेकिन इनके अलावा जो भी एग्जम्प्टेड गुड्स हैं हमारे, उनमें आप कॉम्पोजन स्कीम अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वो नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं कर सकता है, एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहा है तो टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस केस में वो ले सकते हैं कॉम्पोजन स्कीम में अप्लाई, हालांकि इसको नुकसान भी झेलना पड़ेगा इस केस में, लिमिटेशन भी है, ये पॉइंट लिमिटेशन भी है कॉम्पोजन स्कीम का। अगर आप लिमिटेशन पढ़ोगे ना, ये पॉइंट आएगा वहाँ पर कि भाई कॉम्पो स्कीम में गड़बड़ आई तो कॉम्पो स्कीम वाला तो एक तो लिमिटेशन ITC क्लेम नहीं कर सकता, ऊपर से लिमिटेशन एक और है, अब एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहा है उस पर भी टैक्स उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है। उसके बाद नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर कैन ऑप्ट दिस स्कीम इफ टर्नओवर अप टू 50 लाख एंड रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट 6% एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अभी हमने पढ़ा था रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर वाले जो है लोग, वो 5% के अपने टर्नओवर के हिसाब से टैक्स देते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर इसमें नहीं लेते कॉम्पो स्कीम में, लेकिन वो कह रहा है कि अगर लेते हैं तो वो तब ले सकते हैं अगर उसकी टर्नओवर 50 लाख तक है। यहाँ पर हम 1.5 करोड़ की बात कर रहे थे ना, या 75 लाख की बात कर रहे थे, अगर उसकी टर्नओवर 50 लाख की है, अप टू 50 लाख, 50 लाख तक है, तो वो कर सकता है कॉम्पो स्कीम सर्विस प्रोवाइडर कर सकता है अप्लाई, और उसको 6% के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है बहुत बड़ी बड़ी, उसमें 5% देना पड़ता ना, इसमें आपको 6% अपने टर्नओवर का टैक्स देना पड़ेगा। तो भूल के भी आना ना कॉम्बो स्कीम में, ये उनके लिए है जो कि झंझट में नहीं पड़ना चाहते, टैक्स के जो कम्बरसम होती है, टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है बार बार, आपको इनवॉइस बनाना पड़ता है, टैक्स कलेक्शन, ITC क्लेम करना, पेपर वर्क करना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ये उनके लिए है कि जो ये झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए है। हालांकि इसमें साफ साफ एक और बात की गई है, अगर आप कुछ गड़बड़ से जानबूझ के कॉम्पो स्कीम अप्लाई कर लोगे और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, यानी आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो लेकिन आपने जानबूझ के कॉम्पो स्कीम भी अप्लाई कर लिया, नॉर्मल टैक्स पेयर भी हो कॉम्पो स्कीम भी अप्लाई कर लिया है, तो आपको ये कॉम्बो स्कीम ले ली जाएगी, आपसे आपको हटा दिया जाएगा। और ये कॉम्बो स्कीम में नॉर्मल टैक्स पेयर शिफ्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको पहले कॉम्बो स्कीम अप्लाई करने के लिए आपको ये होना पड़ेगा, नॉर्मल टैक्स पेयर होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्मॉल, अगर कोई टैक्स पेयर पहले कोई एक नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं भी था,
वो भी कर सकता है कॉम्बो स्कीम अप्लाई। और अगर वो नॉर्मल टैक्स पेयर था और वो कन्वर्ट होना चाहता है इस स्कीम में तो वो कर सकता है। और यही नहीं, कॉम्पोज स्कीम वाला भी बंदा नॉर्मल टैक्स पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी आपको समझना। तो ये था आज की वीडियो में, इसका एडवांटेजेस यही है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, किसको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसको झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। डिसएडवांटेज बहुत बड़ा ये क्या है कि ITC नहीं मिलेगा आपको, अपनी पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा, अपनी जेब से, बल्कि सप्लायर कभी अपनी जेब से टैक्स देता ही नहीं, आपको भी पता है बात, कभी भी सप्लायर जेब से टैक्स नहीं देता है, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर बेयर करता है। बट ये सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी कमी सबसे बड़ी यही है कि एग्जम्प्टेड गुड्स पे भी इस पे टैक्स देना पड़ता है, बल्कि बाकियों में नहीं था। बस यही चीज़ है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो लाइक कर दो फिर, और क्या सब्सक्राइब कर दो, फैला भी दो, और कमेंट करके बता दो और कैसी वीडियोस चाहते हो, और बाकी वीडियो देखना चाहते हो तो GST की प्लेलिस्ट में जा सके देख सकते हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। बाय बाय।